Hello students, welcome back. Once again, I am with you with the new added topic, one more new added topic, Sardar Vallabh Bhai Patel and National Integration. ये topic हमारा जो chapter है challenges to nation building उसमें नया add हुआ है. Before starting this topic, I just want to say कि if you are really getting the benefit from these lectures, whatever I am providing to you, so don't forget to like, share, subscribe and comment on these lectures. अब सरदार वल्लभ भाई पटेल एज अर्लियर इन द चैप्टर वी हैव डिस्कस कि इनका मेन रोल किस में रहा है जो हमारी 565 प्रिंसली स्टेट्स थी उनको इंडिया में मिलाने का इंडिया में जो इंटीग्रेट करने का मेन इम्पॉर्टेंट जो रोल है जो मेन इसमें मिलाने का काम है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया है. ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे he was the first deputy prime minister and home minister of India. Sardar Patel emerged as a major leader of the freedom movement after the Kheda Satyagraha in 1918 and Badoli Satyagraha 1928. 1918 के Kheda Satyagraha और 1928 के Badoli Satyagraha के बाद जो ये लीडर थे सरदार वल्लभ भाई पटेल एक बहुत बड़े नेता के रूप में उभर कर सामने आए थे. At the time of independence, the problem of integration of princely state was a big challenge for the national unity and integrity of India. जब हमारा देश आजाद हुआ था तो सबसे बड़ी चुनौती सबसे बड़ा चैलेंज हम लोगों के सामने क्या था इंडिया के सामने क्या था दैट वॉज कि नेशन को यूनाइट रखना और इंडिया को इंटीग्रेट करके रखना जिससे कि सभी इकट्ठे रह पाए इंडिया जो एक यूनाइटेड नेशन के रूप में अमर्ज्ड हो. अंडर सच डिफिकल्टाइज्ड सरदार पटेल अंडरटुक द डिफिकल्ट टास्क ऑफ यूनाइटिंग 565 प्रिंसली स्टेट्स ऑफ इंडिया. ऐसे समय में ये जो नेशन को यूनाइट करने का जो डिफिकल्ट टास्क था इसका जिम्मा किसने लिया सरदार वल्लभ भाई पटेल ने. उन्होंने 565 प्रिंसली स्टेट्स को इंडिया में मिलाया. देन इन्हीं को ही इसी वजह से इन्हें किस नाम से भी जाना जाता है नॉन एज आयरन मैन ऑफ इंडिया. पटेल्स अप्रोच टू क्वेश्चन ऑफ द मर्जर ऑफ प्रिंसली स्टेट्स इनटू इंडिपेंडेंट इंडिया वाज वेरी क्लियर. ही वाज नॉट इन फेवर ऑफ एनी कॉम्प्रोमाइज विद द टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया. टेरिटोरियल इंटीग्रिटी यानी क्षेत्रीय जो यूनिटी थी उससे रिलेटेड किसी भी तरह का कोई भी समझौता नहीं करना चाहते थे. अब ये जो प्रिंसली स्टेट्स को इंडिया में मिलाने का काम या नेशनल इंटीग्रेशन को बनाए रखने का काम जो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया उसके लिए उनका जो पॉलिटिकल एक्सपीरियंस था उनकी डिप्लोमेटिक जो स्किल था एंड फोरसाइटनेस थी ये उन्हीं इन्हीं की वजह से वो इस काम को सही तरीके से अंजाम दे पाए. Out of 565 princely states, many had already given their consent to merge with India even before achieving the independence. जब इन princely states को ये decide करना था, when India was divided into two, कि after independence, when it was decided कि after independence, India जो है two states में independent होगा, एक होगी पाकिस्तान and another one India. उसी समय में इन 565 जो princely states ही बहुत सारी princely states ने अपने आप को इंडिया में मर्ज करने की अपनी एक्सेप्टेंस दे दी थी राइट. लेकिन कुछ स्टेट्स थी जिनमें प्रॉब्लम आया था. वो कौन सी स्टेट्स थी दैट वर थ्री मेनली स्टेट्स दैट वर हैदराबाद जूनागढ़ एंड कश्मीर. अब इन स्टेट्स को भी इंडिया में कैसे मिलाया गया ऑलरेडी इन चैप्टर्स वी हैव डिस्कस्ड इन द डिटेल राइट. अब इट वॉज अंडर द लीडरशिप ऑफ दैट इंडियन फोर्सेज compelled Hyderabad and Junagadh to merge with India. हमें मालूम है कि किस तरीके से हैदराबाद और जूनागढ़ को compel किया गया था आर्मी फोर्सेस का भी यूज किया गया था उनको इंडिया में मिलाने के लिए. अब वो क्यों किया गया कैसे किया गया दैट इज अनदर जो कि हम चैप्टर में डिटेल में पढ़ चुके हैं. Being well versed with Pakistan's intentions from Jinnah's diverse two-nation theory, Sardar Patel's opinion on Kashmir was different from the other leaders. अब क्योंकि सरदार पटेल जो थे जिन्हा की जो इंटेंशन थी उसको जानते थे. हमने पहले ही पढ़ा कि वो दूरदर्शी थे दूर की बातें उन्हें पहले ही दिखाई दे जाती थी तो इसीलिए उन्हें
जो कश्मीर की प्रॉब्लम हम आज फेस कर रहे हैं, ये चीज उन्हें उसी समय मालूम थी, उन्हें दिखाई दिया दे गया था कि किस तरीके से कश्मीर को अगर पूरी तरह से इंटीग्रेट नहीं किया गया तो आने वाले समय में ये एक किस तरह से एक इशू बनकर इंडिया के साथ रहेगा और इसे सॉल्व करना डिफिकल्ट होगा। लेकिन कुछ लोग थे, इसीलिए उनका कश्मीर के मर्जर को लेकर उनका ओपिनियन दूसरे लीडर से बिल्कुल अलग था। Like Hyderabad, he also wanted Kashmir's integration with India through military operation. जैसे हैदराबाद में हमारी आर्मी गई थी और उसके द्वारा फिर हमने हैदराबाद को जो था इंडिया में मर्ज किया गया था, यही तरीका जो वो इसको कश्मीर को मर्ज करने के लिए भी अपनाना चाहते थे। But due to political decision of some prominent leaders, Sardar Patel could not succeeded in integrating Kashmir fully with India, which later turned into a major historical blunder for the country. लेकिन कुछ prominent leaders थे, हमारे कुछ main leaders थे, जिनकी influence की वजह से वो कश्मीर के लिए वो step नहीं उठा पाए जो उन्होंने हैदराबाद को इंडिया में मिलाने के लिए उठाया था। नतीजा क्या हुआ कि आज भी इतिहास में, history में कश्मीर को पूरी तरह से इंडिया में ना मिलाना एक blunder mistake माना जाता है, जिसको आज भी हम लोग जो है ये प्रॉब्लम कश्मीर के साथ हमारी कंटिन्यू है। देन हाउएवर पटेल विल ऑलवेज रिमेन एज एन अमेजिंग लीडर हु कंबाइंड इन हिमसेल्फ द फीचर्स ऑफ अ ट्रू नेशनलिस्ट, कैटलिस्ट एंड रियलिस्टिक। इसीलिए उनको आज किस नाम से भी जाना जाता है, पॉपुलरली कैरेक्टराइज्ड एज NCR। एन मींस नेशनलिस्ट, सी कैटलिस्ट, आर रियलिस्ट इन इंडियन पॉलिटिकल हिस्ट्री। इन्हीं इसीलिए उन्हें आज भी NCR के नाम से जाना जाता है। सो इस तरीके से आपके जो व्हाट्स अ फुल फॉर्म ऑफ NCR, व्हाट्स अ रोल ऑफ वल्लभ भाई पटेल इन प्रिंसली स्टेट्स, व्हाई द कश्मीर को फुली इंटीग्रेट न करना एक ब्लंडर मिस्टेक क्यों माना जाता है, सो दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैन कम एज एन वन मार्क क्वेश्चंस। एज वी हैव सीन कि पूरे उसमें जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की हमने बात की है, सारे में वही चीजें हैं जो ऑलरेडी हम चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं। सिर्फ एक अलग पर्सनैलिटी के रूप में इन्हें दिखाया गया है, क्योंकि चैप्टर में हमने इनका थोड़ा रोल पढ़ा है। अब यहाँ उन्हीं को ही हमने किया कि किस तरीके से इन्होंने नेशनल इंटीग्रेशन में, देश को यूनाइट करने में, इंटीग्रेट करने में सरदार वल्लभ भाई पटेल का कितना योगदान था और इन्हें कैसे जो है आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। इसीलिए इन्हें यहीं से इन्हें सरदार का जो टाइटल मिला था, पहले ये ओनली सिर्फ वल्लभ भाई पटेल थे, तो इनके इसी रोल से इन्हें सरदार के नाम से भी जाना जाता है। ऑल दिस इज अबाउट द दिस टॉपिक। होपफुली इट्स क्लियर टू यू। सून वी विल मीट अगेन विद अनदर न्यू टॉपिक। थैंक यू।